हाय सो so, ये है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट स्कल्पचर दिस इज़ बुद्धिस्ट स्कल्पचर आई हैव कन्वर्टेड दिस वेबसाइट इन टू दिस पी डी एफ आई विल बी शेयरिंग दिस पी डी एफ विद यू इन टेलीग्राम चैनल ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट हम इसको एक सेटिंग में कंप्लीट करेंगे ऑल राइट सो अस बिगिन अभी हम बात करते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर तो ये जो टाइमलाइन है टाइमलाइन में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी करीब 2500 इयर्स पहले दिस जीरो के मतलब आज से 2020 प्लस 2500 दैट इज़ 4500 इयर्स फाइव हंड्रेड अगो बुद्धिज़म आया सिक्स सेंचुरी में तो अभी जो स्कल्पचर होगा दैट वुड बी ज़ीरो से करीबन 600 300 200 साल पहले मतलब 2020 प्लस तीन चार पाँच छः करीब 2500 इयर्स फ़ाइव अगो सो वी विल टॉक अ अबाउट दिस बुद्धिस्ट स्कल्पचर ये अर्लीस्ट हिस्टोरिकल स्कल्पर है इंडिया में ये है मौरन एज में ये मौरन एम्पायर आ गया है मौरन एम्पायर ने पैट्रोनिज था बुद्धिज़्म का इस टाइम पे बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा और स्कल्पचर काफ़ी फॉर्म होंगे फोर्थ टू थर्ड सेंचुरी दिस बी मतलब जीरो से चार सौ से तीन सौ साल पहले इट इज़ अ बोल्ड एंड मैसिव स्टाइल मार्ग बाय अ सर्टेन रियलिज्म तो यहाँ भी रियलिज्म दिखता है फ्रीली एम्प्लॉयिंग फॉरन एलिमेंट्स भी हैं अकेमिड परसिया का और जो ग्रेट बुद्धिस्ट एम्पर अशोका थे कॉज द इरेक्शन ऑफ मोनोलिथिक पिलर्स मोनोलिथिक मतलब सिंगल दिस सिंगल स्लैब मोनोलिथिक सिंगल मोनोलिथिक स्टोन मोनोलिथिक पिलर और पर्शिया का भी यहाँ पे इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा सैंडस्टोन प्रो ही डोमिनेंटली यहाँ पर यूज़ हुआ है थर्टी टू फोर्टी फीट हाइट है दिस हाइट इज़ थर्टी टू फोर्टी फीट क्राउन बाय एनिमल फिगर्स है जैसे कि बुल है लायन है या एलिफेंट है क्राउन मतलब टॉप में ऐसे एनिमल्स होते हैं लायन बुल या फिर एलिफेंट एंड दे हैड देम इंस्क्राइब्ड विद द बुद्धस्त कॉन्सेप्ट और यहाँ बुद्धिस्त फफी बुद्धिस्त रिलीजन की जो टीचिंगज हैं फाइंडिंग्स हैं वो भी मैसेज इन स्कल्पचर के थ्रू वहाँ पे कन्वे होगा बुद्धिस्त कॉन्सेप्ट जैसे कि मोरालिटी ह्यूमैनिटी पीटी ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी विच ही विश्ड हिज पीपल टू फॉलो फेमस अशोकन पिलर है लौरिया नंदनगढ़ में बिहार में सांची में और सारनाथ में यहाँ पे ऐसे फेमस पिलर्स मिलते हैं ये लायन कैपिटल है फ्रॉम अशोका स्तंभ स्टोन सारनाथ यूपी ये जो मोस्ट रिमार्केबल ऑफ देम है ऑल इज़ हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक लायन कैपिटल है और ये मिलती है सारनाथ में विच इज़ नाउ द एम्बल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारा नेशनल एम्बल बनेगा इट रिप्रजेंट्स फोर रोरिंग लायन्स बैक टू बैक ये चार है बट दिखते तीन है एक इसके पीछे है सो दिस इज दिस आर फोर लायन्स फोर कार्डिनल डायरेक्शंस में ये रोर कर रहे हैं द राउंड एबैक्स जिसके ऊपर ये सिटेड है द राउंड एबैक्स इज डेकोरेटेड विद फोर धर्म चक्र इधर धर्म चक्र है चक्र मतलब दिस टेल्स टाइम धर्म चक्र धर्म चक्र और व्हील ऑफ लॉ ऑल्टरनेटिंग विद एन एलिफेंट है इन धर्म चक्र चार धर्म चक्र हैं इनके बीच में बुल है हॉर्स है लाइन है और एक एलिफेंट है तो ये चार व्हील्स हैं और ये चार एनिमल्स हैं ऑल काव विथ मास्टरली स्किल्स सपोर्टेड बाय अ बेल शेप्ड बेस जो बेस है वो ऐसे बेल शेप्ड है ये दिस इज बेल शेप्ड दिस बेस ये लोटस है विद धर्म चक्र ये पर सिंबलाइज करता है कि विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस है ओवर फिजिकल फोर्स राइटियसनेस विन करेगा ओवर फिजिकल फोर्स द सुपर्ब मॉडलिंग ऑफ द फिगर्स एग्जीक्यूटिव इन अ रियलिस्टिक मैनर विद अ सर्टन स्टाइलाइजेशन इज़ इन्वेंटेड विद ग्रेट पावर एंड डिग्निटी नो ये हॉलमार्क रहा है इस पूरे दौर के स्कल्पचर्स का पावर और डिग्निटी मॉरियन एम्पायर एंड रिवील्स द एरिस्टोक्रेटिक एंड इंटरनेशनल नेचर ऑफ मॉरियन एम्पायर जैसे पर्शियन एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इंडिया में इसमें इंटरनेशनल भी इंफ्लुएंस यहाँ पे दिखता है टू अ डिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ आर्ट अ क्लोज लुक एट द कैपिटल विल भी हाईली रिवॉर्डिंग ये जो चार लाइन्स हैं ऑन टॉप आर हाईली फॉर्मलिस्टिक एंड स्टाइलाइज दे आर वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मलिस्टिक एंड स्टाइलाइज दिस विल बी एविडेंट फ्रॉम लुकिंग एट द मेन ऑफ द लाइन मेन क्या होता है ये लाइन दिस हेयर दिज आर मेन मेन ऑफ द लाइन्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज लिटिल फ्लेम शेप्ड ऑफ हेयर तो ये काफ़ी रॉयल भी दिख रहे हैं फॉर्मल भी हैं नॉट एट ऑल नेचुरली डन बट इन अ स्टाइलाइज्ड मैनर तो यहाँ पे स्टाइलिश बनाया है उन्हें अगेन द अपर लिप ऑफ द लाइन हैज़ बीन शोन बाय थ्री इनसाइज्ड लाइन्ज हैं लाइन्स उकेरी हैं ऐसे विच इज़ फॉर्मलाइज्ड है और साइलाइज है अगेन सो वी मस्ट रिमेंबर दैट इट वॉज ओनली अशोका एम्पर अशोका मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन और स्कल्पर्स एंड ग्रेट मॉन्यूमेंट्स वेर इज जो प्रीवियस ट्रेडिशन था कंजिस्टेड ऑफ वर्किंग इन वुड एंड क्ले तो ये जो स्कल्पचर्स होते हैं मोन्यूमेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर होते हैं तो एक दौर आता है जब वो वुड और क्ले से बनता है ये जो स्कल्पचर्स और आर्ट वर्क होता है ये सस्टेन नहीं करेगा बिकॉज वुड डिके हो जाती है क्ले डिस्ट्रॉय हो जाती है बट अगर वो स्टोन से बना है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा जैसे कि ये सारे पिलर्स हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अभी भी ये ऑल दो डायलैपिडेटेड कंडीशन में बट दे आर स्टिल प्रजेंट क्लोज लुक एट द एनिमल ऑन द अबैकस पे रिवील करता है दैट दीज एनिमल्स आर नॉट स्टैटिक और रिजिड तो अगेन आर्टिस्टिक ये रिजिड या स्टैटिक नहीं है दे आर इन मोशन दे हैव बीन वेरी कीनली एंड लविंगली ऑब्जर्व्ड इन नेचर सो यहाँ एक और क्या ट्रेट है इम्पोर्टेंट ये काफ़ी रियलिज्म पे एम्फेसाइज है नेचुरल वहाँ पे प्रडिक्शन डिपिक्शन है वेरी एनेचुरलिस्टिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है एंड दीज आर फुल ऑफ लाइफ सो दीज आर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स देन ये है बुल कैपिटल है ये बुल है बुल कैपिटल ऑफ अशोका ये है रामपुरवा बिहार में ये बिलोंग करता है अगेन थर्ड सेंचुरी बी में ये इंटरेस्टिंग स्टडी है ये मिक्सर है पर्शियन का पर्शियन मतलब ईरान एंड इंडियन एलिमेंट का लोटस कैपिटल इज एंटायरली अगेन फॉर्मलिस्टिक है द मोटिव ऑन द अबैकस दिस इज अबैकस ये अबैकस कहलाता है ये अबैकस है और इसके नीचे ये इन्वर्टेड लोटस बेस है ये जो एलिमेंट है क्राउंड एनिमल ये एनिमल चेंज हो सकते हैं जैसे यहाँ पे बुल है ये जो मोटिव है ये ब्यूटीफुल है डेकोरेटिव है लाइक रोज रोज लीफ पैटर्न है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लाइक पामेट एंड एकेंथस ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है ऑर्नामेंट किया गया है यहाँ पे जैसे ये ये क्या है दीज आर ऑर्नामेंट है लो दिस इज ऑर्नामेंट लीफ जो है प्लांट का यहाँ पे ऐसे डिजाइन है यहाँ पे

कॉक एज इफ इट वर लिसनिंग सी ये ईयर्स ऐसे हैं कि ये लिसन कर रहा है तो दिस टेल्स अटेंशन डिटेल फिर आता है धौली धौली कहाँ पर है और इसमें है मास्टरली रिप्रजेंटेशन है एलिफेंट का डिपिक्टेड एज इफ इमर्जिंग फ्रॉम अ रॉक ये रॉक कट है वहाँ पर रॉक कट मतलब ये रॉक है उसको कट करके वहाँ से एलिफेंट इन्होंने काव किया है तो रॉक कट है विच हैज़ बीन सो कट दैट इट रिजेंबल्स द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट यहाँ हेड है और ट्रंक भी है सूंड है उसकी ऐसे एलिफेंट की अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इन अ सैड स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन नेवर द लेस इट इज़ इंटरेस्टिंग एज ऑलमोस्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट है कार्विंग अ कोलोसल एनिमल फिगर आउट ऑफ अ रॉक और अ बोल्डर तो वी नीड टू गिव सम अटेंशन टू दिस एफर्ट्स एज वेल ये आज से ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ईयर पुरानी बातें हैं तो इन्होंने जिस तरीके से इसे बनाया दैट इज प्लेसवर्थी द रिप्रजेंटेशन ऑफ एन एनिमल इज इन द इंडिजीनस ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री फिर ये एक्सलेंट स्पेसिम्स मिले हैं मॉडर्न क्राफ्टमैन के फैशनिंग ह्यूमन फिगर्स भी बनाए हैं ये भी कोलोसल स्टैचू है यक्ष और यक्षी की ये डिनोट करते थे डी टीज थे ये फर्टिलिटी के और एबेंडेंस के ये यक्षी है पटना म्यूजियम में है स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है थर्ड और सेकेंड सेंचुरी बी सी का फैशन बाय अ गिफ्टिड स्कल्प्टर द फिगर वेयरिंग एलाबोरेट ज्वेलरी है हेवी अंडर गार्मेंट है दो मैसिव एंड बोल्ड इन इट्स एग्जीक्यूशन ये पोर्ट्रे कर रहा है इन अ ग्रैंड मैनर इंडियन आइडियल ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी ब्यूटी का इंडियन आइडल जो उस टाइम पे है उसको ये डिपिक्ट कर रहा है इन हर फुल ब्रेस्ट स्लेंडर वेस्ट एंड ब्रॉड हिप्स द स्कल्प्टर इन इंडिया टुक डिलाइट इन फैशनिंग हिज ब्यूटिफुल क्रिएशन इन पोएटिक एंड विजुअल मेटाफर यहाँ पे यूज है इन प्रेफ्रेंस टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये जो सरफेस है ऑफ दिस लवली फिगर बियर द टिपिकल लस्टरस पॉलिश ऑफ द पीरियड अगेन सेकेंड थर्ड सेंचुरी बी की बात है सो मेनी ईयर्स बिफोर ये चौरी है बियरर यक्षी है लाइम है ये मिला है दीदारगंज बिहार में नाउ दूसरा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है मौरन का थर्ड सेंचुरी बी में वो है हैंडजम टोर्जो मेल दिस इज हैंडजम टोर्सो दिस इज कॉल्ड टोर्सो थर्ड मेल फिगर फ्रॉम लोहानीपुर में द मॉडलिंग ऑफ दिस फिगर एग्जीक्यूटिव इन अ रियलिस्टिक मैनर में हुआ है ये इन्वेस्टेड है विद अ वंडरफुल वाइटेलिटी तो अगेन ये जो बनाई है इन्होंने यहाँ पे काफ़ी पॉलिश सैंडस्टोन है पॉलिश स्टोन हैं ये सारे और ये अटेंशन इन डिटेल है प्रॉबेबली रिप्रजेंट कर रहे हैं जैन तीर्थंकर बिकॉज अब ये जो टाइम है ये जैनिज्म भी है यहाँ पर और बुद्धिज़्म भी है तीर्थंकर रिप्रजेंट्स जैन तीर्थंकर और ये रियलिस्टिक मैनर में एग्जीक्यूटेड है जैन तीर्थंकर रिप्रेजेंटेड एज अ सेवियर ऑफ द दिगंबर सेक्ट जैनिज्म में सेक्ट होते हैं नाम बताइए सेक्ट्स क्या होते हैं जैन जैनिज्म में सेक्शन दिस सेक्ट्स तो ये दिगंबर होते हैं जैसे एक श्वेतांबर होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है डेलिट दिगंबर सेक्ट है ये तीर्थंकर नाउ ये जो डिक्लाइन हुआ मॉर्न एम्पायर का अब ये सेकेंड थर्ड हो गया है अब हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो पे हमने स्टार्ट किया था ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से अभी हम पहुंचे अराउंड छः सौ तीन सौ दो सौ अभी हम अप्रोच करेंगे जीरो पे ये डिक्लाइन हुआ मॉर्न एम्पायर का सुंगा आएंगे इसके बाद पावर में वन एट्टी फाइव बी सी रिवर्स में है वन एट्टी फाइव बी सी में दे रूल द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया देयर आर नेरेटिव स्टाइल जो थी अब जब एम्पायर चेंज होता है ना तो स्टाइल भी चेंज हो जाती है डिस्टिंग बाईट सिंप्लिसिटी थी फोक अपील था तो संगा का स्टाइल डिफरेंट है बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर ऑफ यक्षा एंड यक्षी डिस्कवर हुए ग्वालियर और मथुरा में ये फ्रेगमेंट हैं ब्यूटिफुली कार्व हैं गेट और रेलिंग ऑफ बुद्धिस्त स्तूपा एट भरूथ ये इंपॉर्टेंट है भरूथ में बुद्धिस्त स्तूपा एंड नाउ प्रिजर्वड इन इंडियन म्यूजियम कैलकाटा में भी ये नेरेटिव आर्ट है भरुत का जो डिपेक्ट करता है जातक जातक क्या है स्टोरीज हैं बुद्धिज्म के यहाँ पे लेसन है इन फॉर्म ऑफ दिस एनिमल्स स्टोरीज फॉर्म में बताया है जातका ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ इन स्कल्पचर्स ये डेकोरेटिव आर्ट है सांची का एंड द जे एन स्तूपा ऑफ मथुरा का ये बिलोंग टू द सेम ट्रेडिशन है कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का दे ऑल हैव एन इको ऑफ वुड कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स है ये रिलेटेड टू कार्विंग इन वुड है वुड लकड़ी पे और आइवरी हाथी दांत पे बेसिकली द एक्सप्लॉयटेशन एंड एलेबोरेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे फ्रंटैलिटी का लॉ है एज डिस्टिंग फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव प्रजेंटेशन फ्रंटैलिटी मतलब सामने से जैसा दिख रहा है उसको एजिटिव बता दिया परस्पेक्टिव में फिर एंगल्स एंड ऑल भी आ जाते हैं कि किस परस्पेक्टिव में उसको मॉडल किया है वेदर इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा बाय इज लोटस फीट है एम टी थ्रून है तो ये क्या है इनडायरेक्ट रिप्रजेंटेशन है कि लोटस फीड से डिपिक्ट है एम टी थ्रून है या फिर पेयर ऑफ लाइव विस्क है ऑफ द त्रिरत्न सिम्बल या फिर नेटिविटी ऑफ माया देवी है दो एलिफेंट हैं एलिगेंटली गिविंग वन अभिषेक ऑन बाथ टू द न्यू बॉर्न तो एक होता है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्टली वहाँ पर डिपिक्शन है पोरिंग वाटर है फ्रॉम दिस द कलश और द जार या लैंग्वेज एम्प्लॉयड बाय द आर्टिस्ट इज दैट ऑफ सिम्बल तो ये देखिए ये वर्शिप ऑफ द बोधी ट्री है भरूत मध्य प्रदेश में तो इस टाइप से भी यहाँ पे डिपिक्शन होता है वहाँ के आर्ट फॉर्म्स का स्पेशली ये बुद्धिज़म में काफ़ी ज्यादा प्रोमिनेंट है अब जो आर्टिस्ट थे उन्होंने विजुअलाइज किया यक्षी को यक्षी नेचर स्पिरिट फर्टिलिटी सिंबल था सुरा सुंदरी सेलेस्टियल ब्यूटी माना गया इन्हें हर आईब्रोज आर लाइक द आर्क ऑफ द बो हर आईज अ कर्व्ड फिश हर लिप्स अ लोटल पैटल हर आर्म्स एंड एलिगेंट क्रीपर हर लग लेग टैपरिंग लाइक द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट एंड ऑर अ प्लान्टन इन ट्री यहाँ पे ऐसे इनका डिपिक्शन है द एलिजेंस ऑफ द आर्टिस्ट इज टू वॉट ही कंसिडर्स रियालिटी इन अ ड्रीम और अ पोएटिक मेटाफर तो ये आर्टिस्ट पर भी डिपेंडेंट है वो किस तरीके से इसको यहाँ पे विजुअलाइज करता है एंड इट इज़ दिस विजुअलाइज्ड आइडियालाइज्ड इमेज है दैट ही होप्स एंड स्ट्राइव्स टू प्रजेंट मोस्ट फेथफुली और उसका फेथफुली यहाँ पे इसने प्रडिक्शन भी किया और उसको यहाँ पर फॉर्म भी किया स्कल्प्टर में कन्वर्ट किया अमंग द सेवरल डिटीज ऑफ फर्टिलिटी एंड द सीन्स स्कल्प्टेड ऑन द रेलिंग्स पिलर एट भरूथ में ये देखने को मिला है हमें द फिगर ऑफ दिस चुला कोला कोका देवता एंड द नोटेबल स्पेसिमेट ऑफ सुंगा आर्ट है ये बताता है कि उस टाइम पे इंडिजिनस कैरेक्टर एंड फोक क्वालिटी क्या था अब ये जो यक्षी है शी स्टैंड ग्रेसफुली ऑन एन एलिफेंट एलिफेंट पे है विद हर आर्म एंड वन लेग एंड टुवाइंड अराउंड अ फ्लॉवरिंग ट्री एंड शी इज अ ट्री गॉडेस द प्रोफ्यूज ज्वेलरी एंड द मोड ऑफ वियरिंग द अंडर गार्मेंट्स एंड द हेड ड्रेस डिमॉन्सट्रेट द फेमनाइन फैशन ऑफ द वर्ल्ड तो फैशन कीप ऑन चेंजिंग जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था फैशन द्रूंज गर्ल अभी का जो फैशन है वो फिर चेंज हो गया है ये विद ग्रेटर एग्जूबरेंस है अब ये ड्रेस है फेमेनाइन फैशन दिखा रहा है सो दिस फिगर सजेस्ट अ सर्टेन एलिगेंस है यहाँ पे विच वी फाइंड विद ग्रेटर एक्जुबरेंस कुशान स्कल्पचर्स में भी हम इसको बाद में देखेंगे वॉट हम क्या देखेंगे एलिगेंस द इंस्क्राइब्ड लेबल एट हर राइट साइड गिवज द नेम ऑफ द यक्षी क्या है एंड ऑल्सो स्टेट्स पिलर वॉज द गिफ्ट ऑफ दिस आर्य पंठ का तो ये उस टाइम पे अभी सूंगा पीरियड आ गया है अप्रोचिंग टू जीरो और यहाँ पे इस टाइप के डेवलपमेंट्स हैं भरुत में ये ऐसे मिले हैं सेवरल इंटरेस्टिंग जातक स्टोरीज भी हैं भरुच जो है यहाँ पे ट्रेजर हाउस है पेबल्स है स्टोरी मतलब एनिमल्स के थ्रू कोई मैसेज सेंड हो रहा है दैट इज दिस फेबल एक होता है पैराबल डिफरेंस क्या होता है विजुअली रिप्रेजेंटेड अब इसमें एक मेडालियन है गिफ्ट ऑफ दिस जेतवाना पाक बाय अनंत पिंडिका ये कवर करता है ग्राउंड विद गोल्डन कॉइन्स हैं प्रेजेंटेड बाय द मर्चेंट प्रिस्ट बिकॉज इस टाइम पे ट्रेड भी फ्लरिश हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ दीज स्कल्पचर्स भी होगा एक्सचेंज ऑफ दीज कॉइंस भी होगा और ये ग्राफिकली उस टाइम के आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट हो रहा है एक और गुड एग्जाम्पल है सुंगा आर्ट का हम अब पहुँच रहे हैं सेकेंड पे पहुँच गए हैं फिर फर्स्ट आएगा फिर जीरो आएगा सेकेंड सेंचुरी बी में जोवियल फिगर है, काफ़ी खुश है, डॉफिश यक्ष है दिस पीथल खोरा केवज सेंट्रल इंडिया में मिला है बाउल ऑफ एबेंडेंस है ऑन इज हेड केयर फ्री ब्रॉड स्माइल है फेस पे और इज प्रोटाउन बेली है मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है खाना अच्छे से खाया है द टू एम्यूलेट स्ट्रंग ऑन हज नेकलेस वार्ड ऑफ इवल स्परिट्स फ्राम इज डिवोटी बैक ऑफ इज राइट हैंड बी वॉज एन इंस्क्रिप्शन गिविंग द नेम ऑफ द स्कल्प्टर स्कल्प्टर का क्या नाम है कृष्ण दास सेकेंड बी सी में है सुंगा आर्ट है ये वो वॉज अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन गोल्ड स्मिथ है सुनार जनरली स्पीकिंग इंडियन आर्ट इज एन anonymous आर्ट होती थी Usually ऐसा होता था कि जिसने उसे बनाया है वो अपना नाम लिखेगा नहीं वहाँ पर Anonymous आर्ट है और द स्कल्प्टर और द आर्टिस्ट नेवर सॉट टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ वर्क आपका आइडेंटिटी होना चाहिए जो काम है वो ही आपकी पहचान है ये उस टाइम पे भी ये प्रिवेलेंट था ही ऑलवेज गेव ऑफ इज बेस्ट एज अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड और टू हिज पैट्रॉन पेट्रॉन कौन होते थे किंग होते थे जो इनको संरक्षण देते थे हु वॉज एन इमेज ऑफ गॉड तो ये टाइम आ गया है सेकेंड बी का इट मे सीम स्ट्रेंज बुद्धा इज नेवर रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म इन बुद्धिस्ट आर्ट बिफोर द क्रिश्चियन इरा मतलब बुद्धा जो हैं इनको कभी भी ऐसे ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया इनको इनडायरेक्टली मोटिव्स और ऐसे डिफरेंट सिंबल सिम्बोलिज्म है वहाँ पे एज इज स्पिरिचुअलिटी वॉज कंसिडर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज और ये आर्ट फॉर्म में भी दिखेगा द ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ फॉलोअ की जो हीनयान पाथ है एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन बुद्धिज्म में भी सेक्ट होते हैं हीनयान महायान वज्रयान इनके डिफ्रेंसेस क्या होते हैं बताइए बुद्धा का जो प्रेजेंस है अर्ली इंडियन आर्ट में देयरफॉर वो बताता है कि सिंबल लाइक बोधी ट्री बोधी ट्री एनलाइटनमेंट विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट जैसे कि व्हील ऑफ़ लॉ है ये चक्र है हिज फुटप्रिंट्स है रॉयल अम्ब्रेला है स्तूपा है एम टी थ्रोन है तो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया इस टाइप से जो डिफरेंट उनके एसोसिएटेड फॉर्म्स हैं लाइक ट्री लॉ फुटप्रिंट्स इसके थ्रू जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो यहाँ पे प्रिवेल किया गया ये रिलीफ मेडलिन है फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ अ रेलिंग पिलर ये रेलिंग होती है रेलिंग पिलर ऑफ द स्तूपा भरूत में ये डेटेबल है सेकेंड सेंचुरी बीसी में ये बताता है कि वर्शिप है बोधि ट्री का बाय फोर फिगर्स बुद्धा हैड अटेन एनलाइटनमेंट कहाँ पे बोधि ट्री एट बोध गया बोधि का मतलब होता है बुद्धि तो बोधि ट्री में उनको एनलाइटनमेंट हुआ ज्ञान का प्राप्ति हुआ हियर द ट्री सिंबोलाइजेज द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा नाउ ये फ्रैगमेंट है आर्किटेक्ट ट्रेव का गेट वे ऑफ स्तूपा भरूत में ये इस टाइप से ये सांची स्तूपा है अगेन वेरी वेरी गुड या आई हैव बिन हेयर देयर या काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं उस टाइम के दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्तूपा नंबर वन डिटेल तोरन होते हैं ये एंट्रेंस तोरन होते हैं एनिमल्स वर्शिपिंग बोदी ट्री ये एम पी में है वी कैन ऑब्जर्व द ग्रेट लव अंडरस्टैंड अफेक्शन की जो अर्ली इंडियन आर्टिस्ट थे वो एनिमल्स नेचर पे भी डिटेल देते थे प्लांट्स में थे पेन टू स्टडी इन ग्रेट डिटेल ऑन ईदर साइड ऑफ दिस आर्की ट्रेव मैन है एलिफेंट है स्किलफुली शोन है होमेजे टू द बुद्धा रिप्रेजेंटेड बाय बोधी ट्री शोन इन द सेंटर तो दिस इज देयर सेकेंड सेंचुरी बी सी अब आते हैं किशवाकूस कंटिन्यूड द ग्रेट आर ट्रेडिशन ऑफ सतवाहना दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द स्तूपा कहाँ पे नागार्जुन कोंडा ये थोड़ा साउथ में आ रहे हैं अब अपन तो नागार्जुन कोंडा में भी स्तूपा ऐसे ऐसे मिले हैं दे आर इक्वली ब्यूटिफुल कार्विंग और ये भी बहुत बहुत ब्यूटिफुल है अब ये सतवाना की बात करें तो साउथ इंडिया में थे सतवाना देवर ग्रेट बिल्डर्स और सेकेंड सेंचुरी बी सी सेकेंड से सेंचुरी ए डी मतलब ये कितना टाइम हुआ चार सौ साल जीरो से दो सौ पहले और दो सौ बाद में ए डी टू सेंचुरी ए एंड टू सेंचुरी बी सी तो फोर हंड्रेड पीरियड के ड्यूरेशन में दे स्टडीड देयर एम्पायर विद सेवरल स्प्लेंडेड मॉन्यूमेंट्स विच वर रिचली एम्बेलिश्ड दे एक्सकेवेटेड उन्होंने एक्सकेवेशन किया केव टेम्पल्स का मोनेस्टरीज का अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और इरेक्ट किया सेवरल बुद्धिस्ट स्तूप भी ये लेविश कार्विंग्स आई सांची स्तूप गेटवे आया विच वर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग देयर रीन प्रोक्लेम हुआ हाई स्किल और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी सतवाना स्कल्पचर्स का अभी सतवाना आ गया है सतवाना सेकेंड टू सेकेंड स्तूपा वर्शिप जो था एंशियंट फॉर्म का ऑनर करते थे ग्रेट डेड को स्तूपा में बेसिकली जो डेड है बुद्धा के रेलिक्स होते हैं उनको ऑनर किया जाता है स्तूपाज वर बिल्ट नॉट ओनली टू एनश्राइन रेलिक्स ऑफ बुद्धा बुद्धिस्ट सेंट बट ऑल्सो टू को मेमोरेट याद में इवेंट्स ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स हैं अर्ली स्तूपा के ये बने थे थर्ड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी में प्रिजर्व है सांची सेंट्रल इंडिया में एक्सेलेंट प्लेस इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चरल डोम है ऐसा डोम है रेज ऑन अ टेरेस टेरेस पे बना है ऐसे हाइट पे सरमाउंटेड बाई अ रेल्ड पेवेलियन है फ्रॉम विच राइजेज द शाफ्ट ऑफ द क्राउंडिंग अम्ब्रेला ये स्तूपा ओरिजिनली मड फ्यूनरी था माउंट था एंड शाइनिंग इन इट्स कोर यहाँ पे सेक्रेड रेलैक्स ऑफ बुद्धा थे बुद्धा के अवशेष और इज डिसाइपल्स सच इज़ बुद्धा के हेयर बिट्स बोन्स एट्सेट्रा द प्रजेंट बुद्धा एट सांची वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अशोका की रीन में बट ये कंसिडरेबली एन लार्ज हुआ फिर इसका सरक्यूम्बेलेटरी एनक्लोजर हुआ ऐसे प्रदक्षिणा करने के लिए एज वेल एज द आउटर एनक्लोजर्स ये बाद में धीरे धीरे बने तो इनिशियल फॉर्म हुआ इसके बाद ये फिर फर्दर ऐसे डेवलपमेंट हुआ द पैसेज इज एनक्लोज बायिंग फोर गेटवेज है फेसिंग द फोर डायरेक्शन बुद्धिस्ट कार्विंग है बोध फेसेस आर्किट्रेव हैं ऑल साइड ऑफ अपराइट ऑफ दीज गेटेज हैं और ये रिमार्केबल है फॉर देर क्राउडेड सीन्स और पिक्टोरियल इफेक्ट इसका एक बार आप फोटोग्राफ देखना साची स्टूपा के गो टू द वेबसाइट एम्पी टूरिज्म एंड यू वुड फाइंड की कितना अगेन अटेंशन इन डिटेल है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ब्यूटिफुलों ने उस टाइम पे 2000 साल पहले भी इस बात को इन्होंने एक्यूरेटली फेथफुली वहाँ पर डिपिक्शन दिया है साची स्तूपा नंबर वन में ये यक्षी मध्य प्रदेश है नाउ इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूपा में एक सीन है डिपिक्ट कर रहा है ब्रैकेट फिगर ऑफ दिस ऋषिका और वुड निम्ब इन दिस वी कैन सी दैट द स्कल्प्टर हैज एडवांस द ग्रेट डील सिंस द हेड ऑफ द फ्रंटल थ्रू टू सर्टेन एक्सटेंड रिजिड ह्यूमन फिगर तो अभी भी इनका ग्रोथ हो रहा है स्कल्प्टर अब ज़्यादा एडवांस हो गए और इसको अगेन उन्होंने डिटेल में फ्रंटल और सर्टेन एक्सटेंड रिजिड ह्यूमन फिगर भी एक्यूरेटली यहाँ पर डिपिक किए हैं कब किए हैं थर्ड टू सेकेंड सेंचुरी बी में स्कल्प्टर सक्सीडेड इन ट्रूली पोर्ट्रेइंग हर एज अ ट्री गॉडेज इमेजिनेशन एंड स्किल्स लेवल स्किल सेट बढ़ रहा है

टू ब्रिंग आउट द कंट्रोज एंड द ब्यूटीज ऑफ द फीमेल फिगर तो ये भी वहाँ पे ऐसे मिला है फिर ये है वेसंत जातका है फ्रॉम द गोली ये अब अब वहाँ गए हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी जीरो क्रॉस कर लिया अब अपन वन एडी पे हैं प्रीवियस बर्थ पुद्धा वॉज प्रिंस वेसंत थे हु वॉज नेवर ट्रायर्ड ऑफ गिविंग अवे एवरी थिंग ही हैड इन चैरिटी कभी उन्होंने ऐसा ट्राई नहीं किया एलिफेंट दैट अशोर्ड प्रॉस्पेरिटी टू हिज रियलम एज वॉज कंसिडर्ड इट्स मोस्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंटेड बाय प्रिंस था टू द पीपल ऑफ कलिंग में हु सॉट टू मेक प्रॉस्परस लैंड विच हैड सफर्ड फ्रॉम अ ड्रॉट ड्रॉट को सफर था तो उसको प्रोस्पैरिटी के लिए दीज ऑल रिचुअल्स वर मेड पीपल ऑफ हर हिज ओन किंगडम द किंग हिज फादर तो बैनिश करा वे को टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन द स्टोरी इज अ टचिंग वन रिकाउंटिंग द प्रिंस बींग पुट अप टू सिवियर टेस्ट बट हैज अ हैप्पी एंडिंग तो ये जातक का स्टोरी है का स्टोरी में एक मैसेज दिया जाता है एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश होती है लेटर डेट में फर्स्ट सेंचुरी एडी में ज्यादा मैच्योर हुई स्किल्स आए, कारले, ये इंपॉर्टेंट है कार्ले नोटवर्दी आर द दमपति एंड द मिथुना फिगर पेयर्स राइडिंग द मैग्निफिशियंट एलिफेंट कार्ले में दम्पति और मिथुना फिगर ये एलिफेंट राइड कर रहे हैं क्राउनिंग द पिलर फॉर्मिंग इम्पोजिंग दिस कोलोनी फिगर आर मोर देन लाइफ साइज एंड रिप्रेजेंटिंग विद पावरफुल एंड मस्क्युलर फिजिक तो अभी अब पैटर्न चेंज हो रहा है अब फर्स्ट ए डी में आ गए हैं तो ये जो आर्ट फॉर्म है स्कल्पचर्स हैं दे आर चेंजिंग जैसे ये टेमिंग ऑफ दिस नालागिरी एलिफेंट है अमरावती सेट म्यूजियम चेन्नई तमिल नाडु में तो ये भी एक डिपिक्शन है फेमस कार्विंग डिपिक्ट किया एडोरेशन ऑफ द फीट ऑफ बुद्धा फोर वमेन है बिलोंग्स टू द सेकेंड सेंचुरी एडी कहाँ पर अमरावती में अब अपन सेकेंड एडी में आ गए यहाँ पे इस टाइप का डिपिक्शन दिखा कंपोजिशन है डिस्पोजिशन है ऑफ द लिम्स है डिलीनियटिंग द ब्यूटी ऑफ द करवेचर इन फॉर्म द मूड ऑफ इंटेंस डिवोशन कंबाइंड विद बैशफुलनेस एंड ह्यूमिलिटी सो नेचुरल इन वुमेन एंड मार्क इट आउट एज अ ग्रेट मास्टर पीस तो अमरावती में भी सी द पैटर्न द थिंग इज टू अंडरस्टैंड द थीम थीम इज चेंजिंग पहले हम थे तीन सौ साल पहले अलग था जीरो पे अलग हुआ अब ये सीन यहाँ पे फिर से चेंज हो रहे हैं और जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है सोसाइटी का जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ के स्कल्पर्स पे रिलीफ मेडेलियन है अमरावती का बिलोंग टू द सेकेंड सेंचुरी ए डी ये मास्टरली रिप्रेजेंटेशन है सीन शोइंग द सब्जुगेशन और टेमिंग ऑफ नालागिरी सब्जुगेशन मतलब समर्पण करना सब्जुगेशन और टेमिंग ऑफ नालागिरी ये मैड एलिफेंट है लेट लूज ऑन द बुद्धा तो बुद्धा को देख के ये अपने आप टेम हो गया स्ट्रीट ऑफ राजग्रह में बाय हिज विकेट कजन देवदत्ता ये सब क्या है स्टोरीज हैं बता रहे हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल बुद्धिस्त इन सब मैसेजेस को ग्रेट कॉमोशन एंड एनजाइटी कॉज बाय द रश ऑफ द मैड एलिफेंट एट बुद्धा इज फोर्सफुली ब्रॉट आउट फ्यूरियस एनिमल इज शोन काम एंड नीलिंग एट द फीट ऑफ द मास्टर सो दैट वॉज यहाँ पे मैसेज आया कि बुद्धा के सामने ये सारा फियर मैडनेस था वो डिजॉल्व हो गया और एलिफेंट यहाँ पे काम और नीलिंग एट द फीट ऑफ द मास्टर तो ये रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ अमरावती स्टेट म्यूजियम टेमिंग ऑफ नालागिरी एलिफेंट में देर इज अ रिचली स्कल्पर स्लैब भी है बुद्धिस्ट स्तूपा में जो एग्जिस्ट है अमरावती में रिमार्केबल एग्जाम्पल है एलिगेंट स्टाइल ऑफ अमरावती सेकेंड सेंचुरी ए डी में ब्यूटिफुल रेलिंग क्रॉस बार्स हैं यहाँ पे सब्जेक्ट रिटेड हियर देर इज प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंस राहुल टू हिज फादर द बुद्धा यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है प्रिंस राहुल और उनके फादर दिस बुद्धा वेन द लेटर पेड अ विजिट टू हिज फैमिली इन हिज फॉर्मर पैलेस में बुद्धा का हमें पता है इन्होंने अपना घर ऐसे छोड़ दिया था एनलाइटनमेंट हुआ देन ही बिकम बुद्धा द प्रजेंस ऑफ बुद्धा इज हियर सिम्बोलाइज्ड बाय हिज द एम टी थ्रून है वहाँ पे फुटप्रिंट हैं व्हील ऑफ़ द लॉ लॉ है और थ्री रत्न सिम्बल है तो ऐसे इनडायरेक्टली वहाँ पे उनको डिपेक्ट किया है ऑन द राइट आर इज फॉलोवर्स क्लैड इन रोब्स एंड ऑन द लेफ्ट द इनमेट्स ऑफ द प्लेस पैलेस पैलेस मतलब महल इन द डिस्टेंस बिहाइंड द कर्टेन आर सीन एन एलिफेंट हॉर्स है अटेंडेंट हैं तो पूरा रॉयल यहाँ पे दिखाया है महल के बारे में कॉयनेस ऑफ द यंग प्रिंस ट्राइंग टू हाइड इज फेस बिहाइंड द साइड ऑफ द थ्रोन एंड एक्सटेंडिंग इज फोल्डेड हैंड्स इन सैल्यूटेशन ये अब जो सीन है वो भी डिपिक्ट किया है यहाँ अमरावती के इस स्तूपा में डेलीकेट डेलीनियेशन है ऑफ द डिफिकल्ट पोज नीलिंग फिगर वर्शिप कर रहे हैं बुद्धा को मैग्निफिशन एग्जीक्यूशन है क्राउडेड है कंपोजिशन है थ्री डायमेंशन है ये सब बताता है वॉल्यूम्स फॉर द स्कल्प्टर वो कितना ट्रेंड है कितना स्किल्ड है हु फैशन दिस मास्टरपाइज पीस विद अ वंडरफुल पिक्टोरियल इफेक्ट बिकॉज ये जो सीन था ये ईजी नहीं था बट उसको बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पर डिपेक्ट किया है इन्होंने अब अयाका और कॉर्नाइज भीम है विद अ सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट फॉर्म ऑफ नागार्जुन कोंडा अब हम नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं ये कॉर्नाइज बीम्स होती हैं सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटी इज ऑलरेडी सीन एट अमरावती में जो देखा एज फॉर एग्जाम्पल मेन्शन इन प्रीवियस पैरा ये यहाँ पे एबेंडेज में दिखेगी कहाँ पे नागार्जुन कोंडा में बीम हैज बीन डिवाइडेड इंटू रेक्टेंगल रेक्टेंगल डिस्प्लेइंग सीन फ्रॉम द जात का टेल्स इंटर विद लविंग कपल्स विद इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स मेड बाय द स्पेसिंग पिलर नागार्जुनकोंडा में ये डिपिक्शन है देर इज मल्टीट्यूड ऑफ ह्यूमैनिटी है रिप्रेजेंटेड पैलेस वॉर है लविंग सीन्स है रिप्रेजेंटिंग बहुत मेल एंड फीमेल फिगर इन अ वेराइटी ऑफ एनिमेटेड पॉस्चर आर्ट इज नाउट डिसप्लेज कंप्लीट मास्टरी ओवर द ह्यूमन फॉर्म अब ये बहुत स्किल हो गए हैं ह्यूमन फॉर्म्स इमोशंस दीज आर थिंग दे आर डिपिक्टिंग ब्यूटीफुली अचीव्ड ग्रेजुअली ओवर द सेंचुरी ये जो फिगर है ये फुल ऑफ लाइफ है मूवमेंट एग्जीक्यूटेड विथ कॉन्ज्यूमेड स्किल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग लाइफ इन रियालिटी तो रियालिटी इज द हाईलाइट रियालिटी बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डिपेक्ट किया है ये हेड ऑफ़ बुद्धा है अब अगर, अगर अपन गांधार की तरफ जाते हैं ना अफग़ानिस्तान तरफ तो गांधार में जो पीरियड सेकेंड सेंचुरी ए डी यहाँ पर फॉर्म थोड़ा चेंज होगा बुद्धिज़्म भी जो है ना इट्स में डिफरेंट डिफरेंट ईस्ट की तरफ इनको डिफरेंट शेप एंड दिस पोर्ट्रेयल होगा इधर हम जाएंगे गांधार तरफ तो यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्रेयल होगा एलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ 326 बीसी में इंडो गीक इंडो सिक्टियन एंड कुशान किंग रूल्ड ओवर इट्स नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटोरी अंडर देयर देअर द डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ स्कल्पचर तो ये अमेलगमेशन होगा अमेलगमेशन होगा ग्रेको रोमन का ग्रेको रोमन बनेगा बुद्धिस्ट या गांधार आर्ट बनेगी ये प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेलेनिस्टिक वेस्ट एशियाटिक और नेटिव एलिमेंट का यहाँ से कुछ एलिमेंट्स आए यहाँ से कुछ एलिमेंट्स आए और मिलके एक नया आर्ट फॉर्म बन गया ग्रीक एंड रोमन टेक्निक मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडियन रिक्वायरमेंट वर एम्प्लॉयड इन फैशनिंग द गांधार स्कल्पचर। ग्रीक और रोमन क्लब्ड विद इंडियन ट्रूली रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर इन अ वेस्टर्न गाप सब्जेक्ट मैटर ट्रीटेड इज प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट हैं एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम तक्षशिला इन इंडिया टू द स्वाट वैली इन पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट टू एरियाज इन अफगानिस्तान यहाँ पूरा गांधार आर्ट देखने को मिलता है बुद्धिज़्म में नाउ फर्स्ट सेंचुरी है क्रिश्चियन एरा आएगा रिवोल्यूशनरी चेंज होगा फार रीचिंग इफेक्ट्स आएंगे नॉट ओनली ऑन द आर्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑन द आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया दिस इज द थिंग विद आर्ट जब इंटरेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया जॉनर का तो इनका अमालगमेशन होता है और एक न्यू आर्टफॉर्म डेवलप होता है जिससे हमने इंडो दिस इस्लामिक आर्ट फॉर्म भी पढ़े थे तो यहाँ क्रिश्चियन इरा का भी यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा बुद्धा हु वॉज इदर टू डेजिग्नेटेड ओनली बाई अ सिम्बल अब इनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाना चालू हो जाएगा इस पर्सन वॉज गिवन सम थर्टी टू सस्पीशियस बॉडी सस्पिशियस बॉडी ली साइन एसोसिएटेड विद दिस महापुरुष महापुरुष कम्शना ये यहाँ पे ऐसे इनको दिखाया गया है महापुरुष अलकशना सच इज़ द प्रोटर्बरेंस ऑफ द स्किल स्कल जो है ये थोड़ा ऐसे अब प्रोट्यूड होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हेयर नॉट होगा बिंदी बिटवीन द आईब्रो होगा और इलोंगेटेड ईयर्स होंगे तो ये फॉर्म चेंज हो गया है बुद्धा का वाई बिकॉज यहाँ पे क्रिश्चियन इरा और इसके बाद इनमें आर्ट फॉर्म चेंज हो रहा है चेंज केम अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यू चेंजेज दैट हैड क्रैप्ट इन टू द रिलीजियस आउटलुक ऑफ बुद्धिज्म इवन बुद्धिज्म भी टाइम के साथ इसमें फिलासफी चेंज होगी सेक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पे ड्यू टू द इनफ्लुंस ऑफ डिवोशनल स्कूल ऑफ हिंदू फिलासफी वर्शिप ऑफ पर्सनल गॉड्स तो बुद्धिज्म जो है इसमें हिंदूजम के भी ट्रेड्स आएंगे और यहाँ पर ऐसे इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन होगा तो वो आर्ट फॉर्म में भी डिपेक्ट होगा बुद्धिज़म डिवोशनल स्कूल ऑफ हिंदू फिलासफ़ी वर्शिप ऑफ पर्सनल गॉड्स एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द रिलीजियस अप्रोच ऑफ द मासिस टू वर्ड बुद्धिज्म ये इमेज बिकम्स हैंस फॉर द मेन एलिमेंट ऑफ द स्कल्पर एंड वर्शिप इमरजेंस ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा इन गांधार मथुरा ये पैरल डेवलपमेंट होगा गांधार आर्ट एंड मथुरा आर्ट इस केस में प्रोड्यूस बाय द लोकल आर्टिस्ट क्राफ्ट मैन जो लोकल ट्रेडिशन होगा वो अपने इमेजिनेशन एड करेंगे डिफरेंट आर्ट फॉर्म जनरेट होगा मथुरा में इमर्ज होगा फ्रॉम द यक्ष ट्रेडिशन तो मथुरा में एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म दिखता है जैसे अभी गांधार देखा था मथुरा में डिफरेंट है गांधार इमेज माइट सीम टू बी रिसेंबल अपोलो बिकॉज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है यहाँ पे ग्रीक एंड दिस एंड ऑल सम एक्सट्रानियस फॉर्म एंड डज लुक कैरेक्टरिस्टिकली ग्रैको रोमन इन ड्रैपरी कहाँ पे गांधार में बट इवन देयर मोस्ट ऑफ द इमेजेस रिप्रेजेंट बुद्धा एज सीटेड इन द टिपिकली इंडियन योगिक पॉस्टर तो वहाँ पे एलिमेंट्स इनके भी हैं रोमन भी है और इंडियन भी है फीचर कम्प्लीटली अन नोन टू देलेनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ आर्ट दिस इज गांधार गांधार के ट्रेड्स हैं और इंडियन ट्रेड्स भी हैं यहाँ पे रिलीफ पैनल जो है वो बता रहा है बुद्धाज ग्रेट डिपार्चर इज अ फाइन एग्जाम्पल गांधार आर्ट ऑफ सेकेंड सेंचुरी एडी में फोर सेकिंग हिज वाइफ चाइल्ड फ्यूचर किंगडम इन द क्वेस्ट ऑफ इटर्नल ब्लिज प्रिंस सिद्धार्थ इज शोन राइडिंग अवे ऑन हाई फेवरेट हॉर्स कंठ का जिसका नाम है हुफ्टेड बाई टू यक्ष टू प्रिवेंट द साउंड बींग हर्ट बाय फैमिली तो ये जो बुद्धा ने जिसे अपना घर छोड़ा था उसको ये यहाँ पे इन्होंने डिपेक्ट किया है इनका जो ग्रूम है दैट इज दिस चांडाला होल्ड द रॉयल अम्ब्रेला ओवर हिज हेड मारा जो है मारा कौन था इविल वन था अलोंग अलॉन्ग कपल ऑफ सोल्जर्स एंड दिस सिटी आर अर्जिंग द प्रिंस टू पायस इंटेंशन द इंसिडेंट विच वॉज पोर्ट्रे किया है तो दिस इज द थिंग जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं मिरर होते हैं उस टाइम की सोसाइटी डेवलपमेंट फेथ बिलीफ कल्चर एसेट्रा का एक और एग्जाम्पल है गांधार आर्ट का थर्ड सेंचुरी में स्टैंडिंग बोधि सत्व है बोधी सत्व एसेंस

प्रोटेक्शन अभय मुद्रा इज़ वियरिंग अ रिच टर्बन मुस्तैच भी है और एथलेटिक भी यहाँ पे बुद्धा को दिखाया है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे बुद्धा को अलग अलग फॉर्म शेप सिंबल, वैल्यूज़ इन सब में डिपेक्ट किया है डिफरेंट इमेजिनेशंस में फिर आते हैं कुशान, कुशान आते हैं सेंट्रल एशिया से ये रूल करते हैं वास्ट टेरिटरी ऑफ नॉर्थ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी एडी में इनके रिजीम में मथुरा जो 80 माइल दूर था दिल्ली में ये एक थ्रॉबिंग सेंटर बनेगा ग्रेट आर्टिस्टिक एक्टिविटी का कुशान आर्ट मथुरा स्कूल वर्कशॉप होगी यहाँ पे कैटर्ड होगी आउटसाइड डिमांड ऑफ स्कल्पचर्स के लिए भी आइकन्स ऑफ ब्राह्मनिकल गॉड्स एंड गॉडेज इन दिवाग दे 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 वौग दे वौग द बुद्धिस्ट एंड जैन डिवाइनिटीज वर कैरेक्टराइज द सब्सिक्वेंट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट विच वर प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ अमेलगमेशन होगा बहुत सारे लोकल इन दिस आर्ट फॉर्म्स का भी सब मैग्निफिशेंट पोर्ट्रेट स्टडी करते हैं कुशान एम्पर को टुगेदर विथ सेवरल नोबल मैन है विमेन है एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड इन द कैरेक्टरिस्टिक रेड रेड सैन स्टोन आएगा यहाँ पे रेड एंड रेड स्पैकल्ड सैन स्टोन ऑफ मथुरा में तो यहाँ कुशान आर्ट फॉर्म में अगेन बुद्धा को ऐसे चेंज कराया जैसे ये सीटेड बुद्धा है सीटेड बुद्धा है और ये ऐसे करके हैंड जेसर है सीटेड बुद्धा स्टोन मथुरा यूपी में अब जो बुद्धिस्त रिलीजन है ये ग्रेटली फ्लरिश होगा पैट्रोनेज ऑफ कुशान एम्परर में सेवरल इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व अब प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द अर्ली यक्ष टाइप ये पॉइंट करता है डिफरेंस बिटवीन बुद्धा एंड बोधिसत्व बुद्धा वो होते हैं हु हैज अटेन द एनलाइटनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धा इज वन हैज अटेन्ड द एनलाइटनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज और जो बोधिसत्व होते हैं वो स्टिल अ कैंडिडेट फॉर इट रिमेंबर दिस डिफरेंस बुद्धा एंड बोधिसत्व टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा एज इट वॉज इन्वॉल्व बाय कुशान स्कल्प्टर सेकेंड सेंचुरी एडी में जैसे शो है ये सीटेड क्रॉस लेग्ड है ऑन अ लाइन थ्रोन थ्रोन अंडर द बोधि ट्री राइट हैंड जो है जेशर में प्रोटेक्शन दे रहा है अभय ध्यान हो रहा है वाइल द लेफ्ट इज प्लेसड ऑन द थाई आईज वाइड ओपन है प्रोट्यूबरेंस है स्कल इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल कर्ल कॉइल्ड ऑन द लेफ्ट हैंड्स एंड फीट्स आर मार्ग विद ऑस्पिशियस सिंबल है अटेंशन डिटेल दो फ्लाई विस्क है बियरिंग सेलेस्टियल स्टैंडिंग ऑन इधर साइड शोन अब ये जो इमेज है बुद्धा का रीज परफेक्शन इन द गुप्ता एज अब ये जैसे कुशान है ना अब अपन थर्ड सेंचुरी में आएंगे फोर्थ में आएंगे तो अब आ जाएंगे गुप्ता तो यहाँ पे भी आर्टफॉर्म चेंज होगा थ्री सेंचुरीज लेटर तो ये सीटेड बुद्धा है ये बुद्धा है एंड दिस इज बोधि सत्व ने अभी एनलाइटनमेंट नहीं लिया है वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं एंड बुद्धा इज जहाँ पे एनलाइटनमेंट हो गया है देन फेयर मेडन्स हैं ग्रेसफुली फ्लैक्सड पॉस्टर्स हैं एंगेज इन मेकिंग देयर टॉयलेट और इन डांस एंड म्यूजिक और इन गार्डन स्पोर्ट्स एंड अदर पास टाइम क्रिएटेड मास्टर क्राफ्ट्समैन एट मथुरा परफेक्शन आ रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग ट्रिब्यूट है हाईली आर्टिस्टिक स्किल्स हैं इन जेन्यूटी है पोट्रेल ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी भी इन्होंने सेंसो चाम के थ्रू दिखाया है दिस फेमिनाइन ब्यूटी Several beautifully carved railing pillars hain, which once adorned a stupa at Mathura. These three are the most famous one. One on the right shows a lovely damsel holding a bird cage in her right hand from which she has let loose a parrot who has perched on her shoulder. Ye ek depiction hain. Parrot is narrating to her the sweet and loving words which her lover spoke the night before and listening to them, she is feeling amused. इन द सेंटर इज अ चार्मिंग लेडी स्टैंडिंग ग्रेसफुली विद अर लेफ्ट लेग क्रॉस्ड इन फ्रंट सेटलिंग अ हैवी नेकलेस विद अर राइट हैंड लेडी ऑन द लेफ्ट होल्ड अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अर लेफ्ट हैंड शी इज प्लग अ ग्रेप एंड इज होल्डिंग इट ऑन हर राइट हैंड ये वहाँ के ऐसे सीन्स हैं ड्यूरिंग द पैरड राइट शोल्डर रिपीट टू अर वर्ड्स बैल्कनी में है देन अ लव अफरिंग अ कप ऑफ वाइन टू हिज लेडी लव द सेकंड इज ऑफरिंग अ फ्लावर एंड द वन ऑन द राइट होल्डिंग द टॉयलेट इज अजिस्टिंग हिज बिलव्ड इन अ मेकअप

दिस कुशान के बाद सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पे हमने समझा बुद्धिस्त स्कल्पचर कैसे इवॉल्व हुआ सिक्स सेंचुरी में बुद्धिज्म आया था फिर आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ बुद्धिस्ट स्कल्पचर के बाद अब जो नेक्स्ट होगा दैट वुड बी दिस गुप्ता स्कल्चर ये जैनित माना जाता है यहां बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क होंगे अभी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ